गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रदेश वासियों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने किया बड़ा ऐलान, जिसमें छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार भूमिहीन किसानों को देंगे सालाना 6,000 रुपए। दरअसल दोस्तों, सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना तहत किसानों को इसका फायदा मिलेगा और जिसकी पहली किस्त 26 जनवरी यानी कि आज जारी की जाएगी। सरकार ने इस योजना के तहत भूमिहीन किसानों और श्रमिकों का पंजीयन पहले ही करा लिया है। बताया जा रहा है कि साल भर में 3 किस्तों में किसानों को पैसा दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि जिन किसानों के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, उन्हीं किसानों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें राहुल गांधी ने भी कहा था कि इनके लिए एक योजना बनानी चाहिए, जिसके बाद श्रमिकों की सूची बन गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बजट में इसके लिए सालाना 600 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और कहा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान में पहली ऐसी योजना है जिसमें श्रमिकों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इस राशि को भूमिहीन किसानों के खातों में 3 किस्तों में देंगे, जिसमें अक्षय तृतीया, तीजा और दीपावली के समय इसकी राशि का भुगतान भी किया जाएगा। तो इस योजना का लाभ किन लोगों को होगा, ये भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। इसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल सीजी 36 न्यूज़ पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए नए अपडेट्स मिलती रहे। तो इस योजना का फायदा प्रदेश के लगभग 10 लाख से ज़्यादा भूमिहीन किसानों और मजदूरों को मिलेगा, जिसमें हर परिवार के लिए 6,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान राशि शीघ्र उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिनके पास कृषि के लिए भूमि नहीं है, ऐसे चरवाहा, बढ़ाई, लोहार, नाई, धोबी और पुरोहित को भी सरकार इस योजना में शामिल किया है।